नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 3.5 लाख शहरी गरीबों को मिलेगा अपना घर। स्कूल खोलने की टाइमिंग को लेकर लगाया गया प्रतिबंध हटा। बिहार में अब साइबर क्राइम पर लगेगा लगाम। बिहार के लाल के विश्व रिकॉर्ड के बाद खुश दिखे माता पिता। बिहार के नए एयरपोर्ट के लिए मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 3.5 लाख शहरी गरीबों को मिलेगा अपना घर। बिहार में शहरी गरीबों को अपना घर देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के शहरी निकायों में 3,54,182 आवास की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से 2,17,837 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसमें 57,103 आवासीय इकाइयां बनकर तैयार हो गई है। हाउस फॉर ऑल स्कीम के तहत इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसकी मिशन अवधि इस साल मार्च तक है। सरकार इस योजना को आगे विस्तार देती है या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों को अधिकतम 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आवास के निर्माण के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए, जबकि आवास विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। ये राशि 4 किश्तों में प्रदान की जाती है। अब झारखंड का क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में नहीं है भोजपुरी और मगही, जिस भाषा को लेकर हर एक बिहारवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन अब उसी भाषा की कानूनी मान्यता रद्द कर दी गई है। और यह हुआ है झारखंड में, जहां हेमंत सोरेन सरकार ने बोकारो और धनबाद की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में भोजपुरी और मगही को हटाने का काम किया है, जिसके साथ ही उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया। इसको लेकर अधिसूचना कार्मिक प्रशासनिक और भाषा विभाग ने जारी कर दी है। कुछ समय पहले ही राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बताया था कि इसे कभी क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटने नहीं देंगे, लेकिन लालू के भरोसे के बाद सोरेन सरकार दूसरी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के आगे झुक गई और 2 बड़े शहरों से भोजपुरी की मान्यता को खत्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सूची में झारखंड के दूसरे शहरों को भी शामिल किया जा सकता है। स्कूल खोलने की टाइमिंग को लेकर लगाया गया प्रतिबंध हटा। ठंड को देखते हुए पटना समेत सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों पर स्कूल खोलने की समयावधि लगभग 9 बजे से लगाई गई थी, लेकिन अब ठंड का सितम धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए लगाए गए सभी प्रतिबंधों को खत्म करने का फैसला सुनाया है। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिले के स्कूल और सुबह 9 बजे से पहले भी अब खुल सकेंगे और शाम को 3 बजे के बाद भी कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा। इसको लेकर डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने नया आदेश जारी किया है। कहा है कि ठंड को देखते हुए जिले में 6 फरवरी 2022 को शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसे 21 फरवरी के प्रभाव से खत्म कर दिया जाता है। शहरी निकायों के लिए बिहार सरकार ने जारी किए 769 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने शहरी निकायों के विकास के लिए 769 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बेहतर नगरीय सुविधा प्रदान करने की दिशा में यह काम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से स्वच्छता, साफ सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल, समस्त कार्यों की समुचित मॉनिटरिंग सहित अन्य नगरीय सुविधाओं की बेहतरी की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की माने तो नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रथम किश्त के रूप में निधि की राशि 455 करोड़ 40 लाख रुपए और अनटाइड निधि की 303 करोड़ 60 लाख रुपए सहित कुल 769 करोड़ रुपए की राशि 142 शहरों निकायों को जारी किया जाएगा। बिहार में अब साइबर क्राइम पर लगेगा लगाम। बिहार में आने वाले दिनों में साइबर क्राइम पर बड़ा लगाम लगने वाला है, क्योंकि हो रहे साइबर हमलों को रोकने के लिए बिहार सरकार 6 जिलों को हॉटस्पॉट बनाकर काम करने वाली है। इसको लेकर विशेष अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसमें बिहार के पटना, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया और जमुई जिलों को चिन्हित करने के बाद जिला पुलिस को विशेष टास्क सौंपने का काम पूरा कर लिया गया है। बीते दिन इन जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी ADJEOU नैयर हसनैन खान ने कई बिंदुओं पर कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी दिए हैं। ADG ने साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित 6 जिलों के वैसे थाना क्षेत्र की पहचान के आदेश दिए हैं जहां ज्यादा घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने प्रभावित थानों के साथ वहां सक्रिय साइबर अपराधियों की सूची बनाने और गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के भी आदेश दिए हैं। बिहारवासियों के लिए लंबी दूरी का सफर होगा आरामदायक। बिहारवासियों के लिए अब लंबी दूरी का सफर और ज्यादा आरामदायक हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही इंडियन रेलवे डबल टिकट ट्रेन चलाने वाली है। इस ट्रेन में कुछ ऐसे कोच को शामिल किया जा रहा है जिसमें नीचे माल ढुलाई और ऊपर सवारी की सुविधा दी जाएगी।
जाएगी। इसको लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे ने रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के प्रस्ताव को भेज दिया है। उम्मीद है कि मंजूरी मिलते ही पहली खेप में एक एक नई रेक बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलने वाली है। फिलहाल ईसीआर ने पटना बरौनी कटिहार के रास्ते और पटना क्यूल के रास्ते डबल डेकर ट्रेन चलाने का रूट तय किया है, जबकि पूर्व रेलवे कोलकाता ने कम ऊंचाई वाली डबल डेकर की डिमांड की है, जो माल ढुलाई और यात्री की सुविधा वाली ट्रेन होगी। बिहार के लाल के विश्व रिकॉर्ड के बाद खुश दिखे माता पिता। बिहार के मोतिहारी के लाल ने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रच दिया। मोतिहारी शहर के अगरवा मोहल्ले के रहने वाले सकीबुल गनी ने कोलकाता के जेडी कैंपस कॉलेज मैदान में मिजोरम के खिलाफ विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक जड़ दिया है। रणजी ट्रॉफी में सकीबुल ने बिहार की तरफ से बैटिंग करते हुए ट्रिपल सेंचुरी लगा दी। सकीबुल के परिवार के लोग इस मैच का लाइव प्रसारण तो हालांकि नहीं देख सके, लेकिन वो बीसीसीआई के साइट पर अपडेट स्कोर की जानकारी लेते रहे थे। सकीबुल के इस ऐतिहासिक पारी के बाद उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार में 3 दिन बाद पूरी तरह बदल जाएगा मौसम। बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जो अगले 3 दिनों तक बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ पारे में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद ही पूर्वी हवा का प्रवाह देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी हवा चलेगी, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। मौसम विज्ञानी की माने तो पूर्वी हवा प्रदेश में चलने के कारण थोड़ी बहुत उमस की स्थिति बनी रहेगी। हवा का रुख बदलते ही राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। हालांकि बारिश थमते ही तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिहार के नए एयरपोर्ट के लिए मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण में हो रहे देरी को लेकर बिहार सरकार ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में सिविल इनक्लेव और संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 108 एकड़ भूमि में अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण में हो रहे विलंब को लेकर राज्य सरकार ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को पत्र भेजा है। बिहार ने मुख्य सचिव की तरफ से पत्र में कहा गया है कि पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में सिविल इनक्लेव एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 108 एकड़ भूमि में अब तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया, जिसको शीघ्र शुरू किया जाए। अब बिहार के जिला परिषद सदस्यों को मिलेगा आर्म्स लाइसेंस। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगभग 6 जनप्रतिनिधियों पर हमला हो चुका है, जिसके बाद से ही जिला परिषद सदस्यों के बीच चिंता बढ़ गई है। वहीं परिषद सदस्यों को सरकार के सिस्टम से भरोसा भी उठ गया है, जिसके बाद से ही सभी खुद की सुरक्षा को लेकर जिला परिषद सदस्य की तरफ से बार बार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से हथियार की मांग करते देखे गए थे, जिसके बाद ही अब मांग को जिला परिषद सदस्यों ने साधारण बैठक में हथियार के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। इस पर जिला परिषद की अध्यक्ष कुमारी स्तुति ने कहा है कि पंचायती राज मंत्री से मिलकर सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया। हालांकि वर्तमान समय में जिला परिषद सदस्य चुनाव जीतने वाले सदस्यों के पास हथियार लेने का लाइसेंस नहीं है। विधायकों के निजी सचिव को मिला प्रशिक्षण। बिहार के विधायकों के निजी सचिव के लिए बीते दिन बड़ा दिन रहा, जिसके तहत ही बीते दिन ही सेंट्रल हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों के निजी सचिव से कहा कि विधायकों के निजी सहायक होने के कारण उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विधायक के मददगार बनकर निजी सचिव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के विकास में सक्रिय भागीदारी बन सकते हैं। इसी इरादे से बीते दिन विधायक के निजी सचिव का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जागरूक जनता की पैनी निगाह बिहार विधानसभा के सभी विधायकों पर रहती है। उन्हें हर समय जनता की अदालत में उपस्थित रहकर उनकी आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना होता है। बिहार विधानसभा में स्तंभ पर स्वस्तिक लगाने के फैसले पर तेजस्वी ने जताया ऐतराज। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की स्मृति में बन रहे स्तंभों में अशोक चक्र नहीं बनाए जाने के मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत बीते दिन इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के कार्यालय ने एक ट्वीट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की स्मृति में विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने एक स्तंभ बन रहा है। आजादी के बाद देश का यह पहला ऐसा स्तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र नहीं है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वस्तिक चिन्ह लगाया है। इतना ही नहीं, ट्वीट के साथ ही लोकार्पण अवसर का फोटो भी लगाया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्तंभ के मॉडल के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह पर फैसला होगा अगले सप्ताह। लालू प्रसाद यादव को एक और मामले में दोषी पाए जाने के बाद अब अनंत सिंह पर फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उम्मीद है कि 2 बड़े मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट के अगले सप्ताह फैसला आने का और कोर्ट की तरफ से अगले सप्ताह फैसला आने की उम्मीद है। इसके बाद फैसला होगा कि मामले में अनंत सिंह दोषी है या नहीं। दोषी पाए जाने की हालत में कोर्ट ने उन्हें कड़ी सजा सुना
सकने की संभावना जताई है। अनंत सिंह फिलहाल बेउर जेल में बंद है। राजद के बाहुबली नेता और पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत सिंह के खिलाफ दो बड़े मामलों में सजा की घड़ी नजदीक आने लगी है। विधायक के आवास से अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामदगी के दो अलग अलग मामलों में शुक्रवार को MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत में बचाव पक्ष की गवाही बंद कर दी गई। अंतिम सुनवाई के लिए अदालत ने तारीख निर्धारित की है। मुकेश सहनी को मिला सम्राट चौधरी का साथ। बीते कुछ दिनों से बिहार VIP के मुखिया मुकेश सहनी लगातार अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनकी यह मांग को सरकार ने कोई खास प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन मुकेश सहनी को अब सम्राट चौधरी का साथ मिल गया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने हाल ही में यह मांग की थी कि अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 18% बढ़ाकर 33% कर दिया जाए। आने वाले समय में बिहार राज्य में और बड़ी कंपनियों के आने की संभावना जताई गई है। पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी द्वारा अति पिछड़ों के 18% आरक्षण को बढ़ाकर 33% किए जाने की मांग पर ही सम्राट चौधरी का कहना था कि सरकार आरक्षण पर जाति की संख्या के अनुसार आरक्षण देने का काम कर रही है। इस तरह महिलाओं की जायज मांग पर सरकार ने आरक्षण दिया है, उसी तरह मुकेश सहनी के आरक्षण की मांग पर सरकार विचार करने वाली है। देश भर में कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट, बिहार में भी राहत। भारत में शनिवार को 22,270 और लोगों की कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,28,02,505 पर हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2,53,739 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 325 और मरीजों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,11,230 पर पहुंच गई है। COVID-19 के दैनिक मामलों की संख्या लगातार 13वें दिन 1 लाख से कम है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.59% है। COVID-19 से स्वस्थ होने की दर 98.21% हो गई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 91 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 782 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ मिश्रा, रंजीत मेहता, रघुनाथ प्रसाद, नुनू कुमार, बहादुर शाह, संजय गुप्ता, यश राज, शंकर मुखिया, अनीता कुमारी, रंजीत मिश्रा, साकेत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में मिली जीत का श्रेय आप किसे देते हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।